इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। देयर, देयर एक एडजेक्टिव एडवर्ब है, लेकिन यहाँ एडवर्ब के तौर पर नहीं बल्कि प्राइमरी सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी देयर है क्या? तो इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है आरंभिक, आरंभिक देयर। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, आरंभिक कर्ता के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। जैसे हिंदी में बहुत सारे वाक्य हैं वो पूरा है, लेकिन इंग्लिश में वो पूरा नहीं हो पाता है। जैसे हम एक उदाहरण लें, एक लड़का है, एक लड़का है, तो अगर हम लोग बनाते हैं इसका अनुवाद एक लड़का है का, तो क्या बनता है? इज ए बॉय या ए बॉयज, इसी तरह हो सकता है, क्योंकि सबका अंग्रेजी इसमें दे दी, एक का भी दे दी और है का भी दे दी, लड़का का भी दे दी। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, दोनों गलत। तब क्या होगा? हमारे हमारे पास जो है सब्जेक्ट का अभाव है। ऐसी स्थिति में जब सब्जेक्ट का अभाव रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तभी हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे, तब देयर से वाक्य को शुरू कर देंगे, तब हो जाएगा देयर इज ए बॉय। ठीक है, इसी तरह से देयर के साथ बहुत सारा चीज जुटता है, बहुत सारा सिंगुलर वर्ब, प्लुरल वर्ब भी आता है, जैसे देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वेयर, और देयर के साथ कोई वर्ब भी आ जाता है। तो ये कहाँ कहाँ होगा मैं बता रहा हूँ, पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा। देयर इज, जैसे एक सिंगुलर रहेगा कोई चीज एक वचन में, तब हम लोग देयर इज लगेंगे। जैसे कुत्ता है, देयर इज ए बॉय, देयर इज ए डॉग। इसी तरह एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, एक लड़की है, देयर इज ए गर्ल, एक गाय है, देयर इज ए काउ। इस प्रकार से एक बंदर है, देयर इज ए मंकी, और एक से अधिक में, जैसे दो कुत्ते हैं, देयर आर टू डॉग्स, बच्चे हैं, देयर आर चिल्ड्रन, गायें हैं, देयर आर काउस, इस तरह से बनेगा। यानी एक से अधिक में, यानी प्लुरल में क्या लगेगा? देयर आर। प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस का भी वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में यू। और पास्ट टेंस में भी यही, सिंगुलर में, सिंगुलर में ये हो जाएगा वाज का प्रयोग। जैसे एक राजा था, देयर वाज ए किंग, एक गरीब किसान था, देयर वाज ए पुअर फार्मर। इस तरह से सिंगुलर में वाज लगाएंगे, और एक से अधिक में प्लुरल में यानी क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। जैसे 10 घोड़े थे, देयर वेयर 10 हॉर्सेस, 5 गायें थी, देयर वेयर 5 काउज। ये हुआ पास्ट टेंस के लिए वाज वेयर का प्रयोग। और वर्ब का जैसे प्रयोग मैं बताता हूँ, जैसे किसी समय किसी गांव में, किसी समय किसी किसी गांव में क्या रहता था? एक गरीब किसान रहता था, एक गरीब किसान रहता था। तो क्या आ जाएगा? किसी समय का पहले अंग्रेजी पहले हो जाएगा, वंस अपॉन ए टाइम। और किसी समय एक गरीब किसान रहता था, तो यहीं से देयर से वाक्य स्टार्ट होगा, देयर लिव्ड, देयर लिव्ड, ये वर्ब का प्रयोग हुआ। देयर लिव्ड ए पुअर फार्मर इन ए सर्टेन विलेज, इस प्रकार से देयर देयर लिव्ड ए पुअर फार्मर इन ए सर्टेन विलेज। तो इस प्रकार से देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वेयर और देयर के साथ वर्ब का प्रयोग होगा। तो यही है इसका मुख्य रूप से, कि ये जो है जब सब्जेक्ट का आपका आपके पास अभाव होगा वाक्य में, तभी आप देयर का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। जहाँ पर देयर का प्रयोग नहीं, जरूरत नहीं है, वहाँ देयर का प्रयोग नहीं होगा। ये आरंभिक कर्ता के रूप में ये प्रयोग देयर किया जाता है। लेकिन अगर यही रहेगा वहाँ एक लड़का है, तब तो क्या हो जाएगा? पहले एक लड़का एक बनेगा, देयर इज ए बॉय, देयर इज ए बॉय, अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आकर के देयर जुटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, हियर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि यहाँ वहाँ ये सब जो एक्स्ट्रा शब्द लगा रहेगा, तो उसका अंग्रेजी अलग रहेगा। ये देयर का कोई भी अर्थ यहाँ नहीं है, ये सहायक करने के लिए आया, सहायता करने के लिए आया है वाक्य को। और
और ये जो है ये क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज हुआ। इस प्रकार से अगर आप इसको देख लेंगे एक बार से दो बार वीडियो, तो जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि देयर का इस पर ट्रांसलेशन दिया गया है आपके ट्रांसलेशन बुक में। किसी भी बुक की सहायता से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, तो आपका कहीं भी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सिंगुलर प्लुरल में, एक से अधिक में, सारा चीज मैंने बात बोल दिया। तो इस प्रकार से आप देख करके आप ट्रांसलेशन का भरपूर प्रयोग करिए और जो है अभ्यास कीजिए, आपका गलती देयर का कभी नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।